आज हम बनाएंगे रोटी का सैंडविच। ये बहुत ही हेल्दी है। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, और साथ ही साथ ये टेस्टी भी है। इसे आप शाम के नाश्ते में एंजॉय करके खा सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक प्लेट ले लिया। प्लेट में हमने 3 हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाल दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज ऐसे भी हम डाल देते हैं। आधा खीरा है, चम्मच से 4 चम्मच खीरा है। एक छोटे साइज का टमाटर ऐसे भी डाल देते हैं। हरा धनिया के पत्ते डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच चाट मसाला ऐसे भी डाल देते हैं, और इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। जिस समय आपको हल्की फुल्की भूख लगती है ना, उस समय आप रोटी का सैंडविच बना के खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस हमने चालू कर दिया है। गैस के ऊपर हमने डोसे का तवा रख दिया है। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है। चलिए हम तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे हम फैला लेते हैं। तवे के ऊपर हम रोटी रख देते हैं और नीचे साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक उसे सिकने देते हैं। चलिए एक साइड हम मिक्सर रख देते हैं। इसके अलावा आप कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है और पत्ता गोभी है। लेकिन इन सब्जियों को थोड़ा सा आपको पकाना पड़ेगा, यानी कि इसका कच्चापन दूर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे दूसरे साइड से हम इसे फोल्ड कर देते हैं। क्रिस्पी होने तक इसे सिकने देते हैं हम। चलिए अब इसे पलट लेते हैं, दूसरे साइड से सिकने देते हैं। चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से हम दूसरे रोटी का भी सैंडविच बना लेते हैं। और देखिए जब हम खाना बनाते हैं ना, तो एक दो रोटी बच जाता है, उसी रोटी से मैं आपको सैंडविच बनाना बता रही हूँ। ये बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं है। रोटी के एक साइड हमने मिक्सचर डाला है ना, अगर आप सॉस पसंद करते हैं तो आप उसके ऊपर सॉस डाल के खाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप सॉस पसंद नहीं करते हैं तो आप वैसे ही खाएं, वैसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए इसे छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे। और आप इसे ठंडा बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि तो ठंडा खाने पर जो आपने मिक्सचर डाला है ना, उसकी वजह से रोटी गीला हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चलिए इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। और देखिए हम सैंडविच को 2 भागों में काट लेते हैं। और देखिए अगर आप चटपटा पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाल दें, और अगर बच्चे खा रहे हैं तो मिर्ची थोड़ा कम कर दें। और रोटी के सैंडविच को थोड़ा क्रिस्पी ही बनाएं, तभी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी रोटी के सैंडविच को भी हम बीच से काट लेते हैं। और देखिए इसे सॉस और हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के नाश्ते के लिए टेस्टी और हेल्दी रोटी का सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी बनी है।